हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आज के वीडियो में हम बहुत ही प्यारे फूल और समर फ्लावरिंग प्लांट क्रेप जैस्मिन यानी कि चांदनी के बारे में बात करेंगे। इसे पिनव्हील जैस्मिन या तगर भी कहते हैं। इसके स्टेम को अगर आप तोड़ें तो इसमें से एक सफ़ेद सा लिक्विड निकलता है, इसलिए इसका नाम मिल्क फ्लावर भी है। इसके फूल सफ़ेद रंगों में आते हैं और शेप इसका पिनव्हील जैसा होता है, इसलिए इसका नाम पिनव्हील जैस्मिन भी है। इस पौधे पर ढेरों फूल आते हैं। ये समर फ्लावरिंग प्लांट है और फूल इसके रेनी सीजन तक आते हैं, मतलब मार्च से अक्टूबर तक इसके फूल खिलते रहते हैं। ये सिंगल और डबल पेटल में आते हैं। सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों में सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। सिंगल पेटल में खुशबू नहीं होती है, जबकि डबल पेटल में हल्की सी खुशबू आती है। ज़मीन में ये पौधा काफ़ी बड़ा होता है, पॉट में इसकी हाइट उतनी नहीं बढ़ती है। इसका हम बॉन्साई भी बना सकते हैं। इसकी रूट प्रूनिंग और स्टेम कटिंग से इसे हम बॉन्साई के रूप में बना सकते हैं। ये पौधा मुझे गिफ्ट में मिला था। ये पौधा जिन्होंने गिफ्ट किया उन्होंने भी इसे कटिंग से ग्रो किया था। अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। फूल इनके अक्सर रात में खिलते हैं, इसलिए इसका नाम चांदनी भी है। इसका इस्तेमाल हेजेस के तौर पर भी किया जाता है। अक्सर घरों के बाहर भी या दीवारों के साइड में इसे हम देखते हैं। इसे हाउस प्लांट के तौर पर भी लगा सकते हैं। ये पौधों को जानवर भी नहीं खाते हैं, इसलिए आप इसे घरों में सेफली लगा सकते हैं और प्रीमाइसेस के बाहर भी लगा सकते हैं। चांदनी का पौधा सर्दियों में फूल देना बंद करता है। इसके फूल छोटे छोटे क्लस्टर्स में स्टेम के टिप पर आते हैं। ग्रोइंग सीजन इसका मार्च से अक्टूबर तक का है। ये ट्रॉपिकल पौधा है, इसे वार्मर और मॉइस्ट क्लाइमेट पसंद है। ये एक पेरिनियल पौधा है। एक बार आप इसे लगा दे तो आपके यहाँ ये सालों साल चलेगा। जानेंगे इसकी केयर के बारे में, इसकी सॉइल कैसी लेनी है। तो इसमें हमें 30% गोबर की खाद लेनी है और 70% गार्डन सॉइल लेनी है। लेकिन अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो एक हिस्सा मिट्टी का, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा रेत का ले सकते हैं अच्छी ड्रेनेज के लिए। वैसे तो चांदनी का पौधा बहुत ही हार्डी है, ये कैसे भी मिट्टी में चल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे अच्छी मिट्टी में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से चलेगा और अच्छे फूल देगा। इसे एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप इसमें कपूर का पानी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इसमें फिटकरी का पानी भी डाल सकते हैं। इसमें हम विनेगर भी डाल सकते हैं। विनेगर को आप 1 लीटर पानी में 5 ml मिलाकर डाल सकते हैं। इसे आप हर 10 से 15 दिन में दे सकते हैं। मिट्टी का पीएच 4 से 6 के बीच में हो तो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। पौधा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स लेता है। विनेगर हमें ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो पत्तियां जल सकती हैं। क्रेप जैस्मिन को उसकी स्टेम कटिंग से इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है। इसकी कटिंग को ग्रो करने का बेस्ट सीजन स्प्रिंग सीजन है, या फिर हम इसे बारिश के दिनों में ग्रो कर सकते हैं। कटिंग आप इसकी 6 से 7 इंच की पेंसिल साइज की कटिंग लगा सकते हैं। आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं। बात करें इसके फर्टिलाइजर की, तो सभी फूलों वाले पौधों में फूलों के लिए फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है और पत्तियों के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन के लिए आप इसमें चाय की पत्ती का खाद दे सकते हैं। चाय की पत्ती को हम अच्छे से धोकर सुखाकर इसमें डाल सकते हैं। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, इसमें धीरे धीरे NPK मिलता रहेगा। साथ में ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है, जिससे कि पौधा मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स अच्छे से ले पाता है। अभी इस पौधे की ग्रोथ शुरू हुई है तो इसमें हम कंपोस्ट भी डाल देंगे। आप इसमें किचन की खाद या गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इनमें आप नीम खली और बोन मिल भी डाल सकते हैं। मैं इसमें किचन की बनाई हुई कंपोस्ट डाल रही हूँ। सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे, 1 इंच तक की मिट्टी को निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें चारों ओर स्टेम से दूर कंपोस्ट डाल देंगे। इसी में मैं चाय की पत्ती का खाद भी दे रही हूँ। उसके बाद हम ये सूखी पत्तियाँ भी डाल देंगे और उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। सूखी पत्तियाँ भी धीरे धीरे कंपोस्ट में बदल जाएंगी और न्यूट्रिएंट्स देती रहेंगी। इसके स्पेंट फूल
बाहर न फेंकते हुए इस डाल देंगे। फूलों में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह पौधे को मिलते रहते हैं। सर्दियों में जब ये पौधा डोरमेंसी में जाता है तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ती हैं। डोरमेंसी में इसकी पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका नेचुरल फिनोमेना है। जैसे ही स्प्रिंग का महीना शुरू हो जाता है तो इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। मैंने इसकी पत्तियाँ ना फेंकते हुए इसी गमले में डाल दी है, वह भी एक अच्छी खाद का काम करती है। तो ये पौधे से जो पत्तियाँ और फूल मिल रहे हैं वह वापस उसी में मिट्टी में डाल देंगे ताकि उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। क्रेप जैस्मिन को फुल सनलाइट पसंद है, इसे 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ज़्यादा गर्मियों के दिनों में यानी कि मई जून की गर्मी में इसे शेड में रखें या ग्रीन नेट के नीचे रखें। दोपहर की सनलाइट से इसे बचाएं, फुल शेड में इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। चांदनी के पौधों को रेगुलर पानी चाहिए ताकि मिट्टी मॉइस्ट बनी रहे, लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। पानी डालने के बाद ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए और जैसे ही इसमें कलियां आने लगे या बड्स डेवलप हो तो पानी थोड़ा कम करना चाहिए। क्रेप जैस्मिन हो या कोई भी फूलों वाला पौधा हो, अगर कलियां आ जाएं तो पानी कम कर दे, नहीं तो बड्स स्टेबल नहीं हो पाती है और पौधा कलियों को गिरा देता है फूल खिलने से पहले। बात करें इसके पेस्ट और डिजीज की, तो चांदनी के पौधे में कैटरपिलर्स का हमला हो सकता है, साथ में इस पर एफिड्स मिलीबग्स का हमला हो सकता है। पानी ज़्यादा हो जाए तो रूट रॉटिंग और पाउडरी मिल्ड्यू भी हो सकता है। पत्तों पर अगर सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगे तो समझ जाइए कि पाउडरी मिल्ड्यू हुआ है। ऐसे में आपको ये अच्छा सा फंगीसाइड मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। एफिड्स और मिलीबग्स के अटैक के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करें। 4 से 5 ml नीम ऑयल और 2 से 3 ड्रॉप हैंड वॉश 1 लीटर पानी में मिलाएं और पत्तियों पर स्प्रे करें। इसका शेप मेंटेन करने के लिए नीचे से इसकी ब्रांच को प्रून करते रहें। अभी ये पौधा फ्लावरिंग पर है तो अभी कोई प्रूनिंग ना करें, बस इसके स्पेंट फ्लावर्स प्रून करते रहें। इसकी अच्छी प्रूनिंग रेनी सीजन में या फिर सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं और रिपोर्टिंग करना हो तो अक्टूबर नवंबर में कर सकते हैं। ये बड़ा पौधा है तो इसकी रूट्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, इसलिए इसकी रूट्स भी बाउंड हो जाती है। साल में एक बार इसकी रूट्स को चेक करते रहें। अगर रूट बाउंड हो गई है तो बड़ा गमला ले या बड़े गमले में शिफ्ट करें या इसकी रूट्स को प्रून कर दे, नहीं तो पौधा धीरे धीरे मर सकता है। तो ये थी समर फ्लावरिंग प्लांट चांदनी की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।